भाई क्या एक्सीडेंट हो रखा। ओ एक सेकंड एक सेकंड, भाई साहब क्या प्यारी प्यारी जगह है यार। यहाँ पे देख लो कितना प्यारा नज़ारा है, देख रहे हो ये भाई, कितना प्यारा प्यारा नज़ारा है यार। तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और भाइयों सबसे पहले दिल से राम राम। तो अपना जो पिछला वीडियो का सीन था कि हम लोग बॉर्डर को क्रॉस करके रूस रूस से रूस या रूस से जो को वहाँ पे आए होते, तो भाई अब देखते हैं कि यहाँ से काम दाम बढ़िया मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आके हमने वो अपना पोस्ट पैकेजेस जो भी था उसको कर दिया था डिलीवर। तो एक बार जरा देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमें काम क्या मिल रहा है। ओके अच्छा भाई, 5063 किलोमीटर का, 563 किलोमीटर का भाई। तो फर्नीचर लेके जाना है भाई, ये वाला काम अपन करेंगे। ठीक है, ये वाला काम अपन करेंगे, फर्नीचर का काम है। 14 किलोमीटर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। पहले चल के थोड़ा इसे सुला देते हैं क्योंकि हमारे बंदे को जो है नींद आ रही है। ये भाई यूटर्न लेना पड़ेगा इतना लंबा क्या? अरे मैं अभी पीछे से निकाल दूंगा। तो भाई मैं इसको सीधा मिलूंगा, पहले तो आपको जहाँ पे सुलाना है वहाँ पे, देन उसके बाद चलेंगे हम काम पे। तो भाई हम आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। तो भाई फटाफट से सो जा पहले तो तू। ये सोसा का उठ गया, लाइट्स ऑन, हैंड ब्रेक हटाओ। चलो भाई अब चलते हैं अपने अपने काम पे। तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं अपने काम पे, और अब यहाँ से अपना फर्नीचर काम लेते हैं जो कि सामने ही पड़ा हुआ है। चलो भैया मैं मेरा काम दो फटाफट से। ओ भाई दो काम है यहाँ पे। नहीं, फर्नीचर यार वहाँ बड़ा महंगा दिखा रहा था, सस्ता दिखा रहा है अब, ये तो गलत बात है। ये तुर्की में जाने के लिए बोला, तुर्की नहीं जाएंगे भाई अपना। ये नहीं, फर्नीचर यार पहले तो महंगा दिखा रहा था, पता तो सस्ता दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं। अब हम फॉर्क लिफ्ट से जगाएंगे, लेके जाएंगे। मतलब ये कहाँ पे है अपना, यो फॉर्क लिफ्ट है अपना, ए इधर कहीं है, इधर कहीं है फॉर्क लिफ्ट, ये है अपना फॉर्क लिफ्ट। ठीक है भाई, आराम से अपनी गाड़ी लगा देंगे यहाँ पे मस्त करके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई लग गई अपनी गाड़ी बस। ओके और ये हो चुका है अपना, मस्त काम कर रहा पूरा। अब ले चलते हैं भाई अपने फॉर्क लिफ्ट को, 570 किलोमीटर है लगभग, लगभग 570 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई गेट खोल दो हमारे लिए। ए चचा गेट खोलो, चाचा तुम्हें काम से निकालना पड़ेगा, लग रहा तुम टाइम पे गेट नहीं खोल रहे हो।
भाइयों अपना एक न्यू व्यू पॉइंट डिस्कवर हुआ है, तो चलो उसको जाकर चेक करते हैं कि ये जो व्यू पॉइंट है आखिर ये है कैसा। ठीक है, यहाँ से साइड में लेते हैं। ओ भाई आराम से रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, ओके, चल भाई दिखा व्यू पॉइंट। तो ये है पावर स्टेशन का रोविन नारी पावर स्टेशन। तो यहाँ पे पावर जनरेट होती है, देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, मतलब दिखाएगा कि ये कैसा कैसा है यहाँ का। ये इतने बड़े बड़े चार इन लोगों ने चिमनी लगा रखी है, बिल्कुल ये मेरे को मिल्टा की याद दिला रही है भाई। ये तो अपने यार मिल्टा जैसा लग नहीं रहा है, जैसे मिल्टा में दो है ठीक है, यहाँ पे चार है। ओ भाई, और ये मिल्टा का वो लग रहा है, मतलब क्या कहते हैं उसे, फैक्ट्री, और वो दोनों एक ही में कर दिया ऐसा लग रहा है देखने में एक पल के लिए। यहाँ पे ये डाम ना रखा साइड में, ये ट्रेन निकली, ट्रेन की हो जा रही थी। ये सुबह सुबह भोर का टाइम है अभी, इसलिए थोड़ा ऐसा लोग आ रहा है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सल एनर्जेटिक रोविन नारी, और ये खड़ा अपना ट्रक। इतना ही है क्या? इतना ही था। तो ये था भाई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सुल एनर्जेटिक रोविन नारी का पावर स्टेशन। तो ये अपनों ने देख लिया है, अब चलते हैं भाई अपने काम पे। 140 किलोमीटर और रह गया बस, काफ़ी सही था वैसे ये। तो चलो भाई आगे की तरफ, लेट्स गो रोविन नारी। भाई क्या एक्सीडेंट हो रखा। ओ एक सेकेंड एक सेकेंड, भाई साहब पूरी कार का कचुम्बर बना दिया भाई आगे से। तो डंपर वाले कुछ नहीं हुआ भाई, वो खड़ी उधर पुलिस, और उधर इन लोग को निकाल के ले गए कार में से। चलो सही है, नंबर प्लेट वो पड़ा है MM39VSI। भाई साहब क्या एक्सीडेंट हो रखा है यार तगड़ा वाला। भाई साहब क्या प्यारी प्यारी जगह है यार यहाँ पे, देख लो कितना प्यारा नज़ारा है, देख रहे हो ये भाई कितना प्यारा प्यारा नज़ारा है यार। हुंडारा डिस्कवर्ड। तो भाई लोग हम लोग हुंडारा में आ चुके हैं, और अपना जो ये क्या लेके आए थे हम, ये लिफ्ट करने वाला जो भी सामान था, ये इसको हमें जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना था वो जगह बस यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो भाई फटाफट से लेके चलते हैं। अरे ओवर स्पीडिंग करो इनकी, तो पुलिस वाला ना आ जा बस एक भी बीच में, और फटाफट लेके चलते हैं। पास में ही ज़्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर और बस। भाई ह्यूंडारा पीछे निकल गया, हम लोग ह्यूंडारा के आगे जा रहे हैं, और ये पड़ता है ह्यूंडारा में ही है। ये देखो एक और, ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फैक्ट्री। ये कोई सी पता नहीं कौन सी कंपनी है, ये मालूम ही नहीं है, यहाँ पे लिखा भी नहीं है। ओ ओ ओ ओ, ओ रुको रुको, हमें यहाँ जाना है। होटल क्या नाम था, होटल इम्पेकेबल, ये कैसा नाम होता है इम्पेकेबल। चलो भाई कहाँ खड़ा करना है बताओ इसे, नहीं उल्टा नहीं सीधा सीधा सामने खड़ा करना। चलो ठीक है, कोई चचा वचा नहीं है क्या इस बार यहाँ पे देखने के लिए। ओ देखो वो खड़े चचा काम कर रहे हैं उधर अपना, वैसे कुछ चचा नहीं है यहाँ पे।
तामेरी वाले भी सामान लेकर आ रखे हैं यहाँ पे, क्या बात है। और ये लग गया अपना गाड़ी मस्त एकदम। ठीक है भाई अब कर देते हैं इसको पार्क। सो बॉयज आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर करो, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोगों को माइनक्राफ्ट की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दो यार, बता दो यार, इतनी कंजूसी मत करो कमेंट करने में। तो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दो मुझे। फिर मिलेंगे विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।